अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है, हम आ गए थे आगरा से फिर दिल्ली, तो अब हमें जाना है दिल्ली से अमृतसर। तो अभी बज गए 2, अब जा रहे हैं, हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, पहले खाना खाएंगे अच्छे से, और स्लीपर हमारा है अमृतसर के लिए शाम को 9:30 बजे। तो बने रहिए इस व्लॉग में, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है इसमें भी। देखते हैं क्या क्या करते हैं यहाँ। ये जा रहे हैं हम अब खाना खाने। तो वैसे तो मैं अक्सर जाता हूँ इधर रहमतुल्ला होटल, तो यहीं पर खा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई और बहुत अच्छा खाना मिलता है। ना टोपी नहीं। इधर देखो, जबरदस्त क्या जैनब जी, मेट्रो स्टेशन से हम आ गए बाहर और अब हम बैठेंगे ऑटो में। ये बैठ गए हम ऑटो में, तो अब हम जाएंगे कुतुब मीनार देखने यहाँ से मेट्रो स्टेशन से। ये रही जैनब जी। शेर क्या करता है? डॉगी क्या करता है? बिल्ली क्या करती है? मंकी क्या करता है? मंकी जरा ये दिखाओ, ये क्या है दिखाओ ना पहले मुझे। देखो ये है यहाँ से पार्किंग, मतलब गाड़ियों के लिए। तो अब हम चल रहे हैं कुतुब मीनार की ओर, देखेंगे क्या है, और उसके बाद फिर जाना है हमें यहाँ लाल किला। तो वहीं से स्लीपर मिलेगी हमें अमृतसर के लिए, तो बने रहिए इस व्लॉग में। इसके बाद जब यहाँ पर आ गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अफ़गानिस्तान का रहने वाला था, तो वो भी आ गए थे यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत रूल किया है खिलजियों ने यहाँ। सो यहाँ बो बनाव ये कुतुब मीनार डाई गुन दी बोर्ड कुतुब मीनार ब्या पे तमश कन्स्ट्रक्शन ऐसम कम लजम, लेकिन फिर बीच में ये अलाउद्दीन खिलजी मर गया था, शायद वो 48 ईयर्स की उम्र में मर गया था। हाँ, 48 ईयर्स की उम्र में मर गया था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसके मरने के बाद फिर इसका काम रोक दिया गया था, ना तो बनी आई कुतुब मीनार को तो दवाई बोर्ड।
कुतुब मीनार भी आकर, और आप देख सकते हो उसका काम अधूरा ही जैसा रह गया अभी थोड़ा थोड़ा सा। अलाउद्दीन खिलजी उस वारिया खतरनाक, अगर तुम वो पद्मावत फिल्म वो। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का ख्वाब जो पूरा नहीं हो गया क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी फिर, और पता तम सो तम बाकी तमो रुको पे कमी तमो बनो नहीं नत बन यह कुतुब मीनार खुद मतलब उससे ढाई गुना ज़्यादा बड़ा बन जाता है। ये देखो ये बिल्कुल वैसा ही है मतलब जैसा उस टाइम में रहा था है। तो अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार की ओर, अब कुतुब मीनार देखेंगे पहले, तो उसके बाद बाकी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ। लेकिन वाकई यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी मतलब मुग़लों की जगह पर आते हैं। ये कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और अल्तमश ने, और कुतुबुद्दीन और अल्तमश ये दोनों काबुल के रहने वाले थे, अफ़गानिस्तान से यहाँ आ गए थे, और पहली डायनास्टी यही आ गई थी यहाँ जिसका नाम था स्लेव डायनास्टी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार बनाया, पूरा नहीं बट इसकी बेस मतलब आखपोर बनो तेम। और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर मस्जिद है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पहली मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भी अफ़गानिस्तान से ही आया था, और उसके चाचा का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के साथ बगावत करके अपने चाचा का तख्त छीन लिया था। ये देखिए अब हम इस मस्जिद के अंदर आ गए। ये मस्जिद रही है यहाँ पर उस ज़माने की, ये ऐसे लग रहा है छोटा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतनी आत कुछ पूछा छन छा कर पे वहाँ इतना बड़ा है। और ये जो आप देख रहे हो तो ये जो आप देख रहे हो ये उस टाइम का मदरसा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, मतलब जैसे स्कूल होता मतलब स्कूल उस टाइम का। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत खतरनाक सुल्तान था हिंदुस्तान का, और वो आ गया था काबुल से यहाँ जैसा मैंने बोला। उसके चाचा का नाम था जलालुद्दीन, सोचते मिस सेनापति पेत्रस पैनिसन। और लास्ट में उसने क्या किया, उसने अपने चाचा को ही मार डाला और उससे अपना ताकत छीन लिया। ये उस ज़माने के क्लासरूम्स रहे। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कुतुब मीनार से भी बड़ा ढाई गुना बड़ा कुतुब मीनार बनाना चाहता था, जो मैंने आपको दिखा दिया पहले इस क्लिप से पहले जो है वो बिल्कुल एकदम वैसा वो अनकंस्ट्रक्टेड जो मैंने आपको दिखाया, तो वो वहीं पर बनाना चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई 48 ईयर्स की उम्र में, क्योंकि उसका जो अपना ग़ुलाम एक था उसके ग़ुलाम का नाम था मलिक गफूर, उसी ने उसको जहर दे के मार डाल दिया था, और वो ग़ुलाम भी उसको अपने चाचा जान ने गिफ्ट किया था। तो ये जो आप देख रहे हो ये खिलजियों का मदरसा है, मतलब जैसे स्कूल होता है वगैरह तो वैसा ही कुछ। ये देखिए यहाँ के क्लासरूम्स हैं। ये उस ज़माने के क्लासरूम्स रहे होंगे। ये देखिए ये बिल्कुल एकदम वैसा ही है जैसा उस टाइम में रहा था है। ये देख सकते हो देखिए।
और ये यहाँ पर मस्जिद है और ये रहा अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी तो ये जो कुतुब मीनार है ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो पता नहीं होगा क्योंकि मुगल्स का चैप्टर जो है हिस्ट्री से रिमूव किया गया है। क्या इसके सारे वक्त सेवन्थस एटथस मज पागल गसान याद करान करान मुगल एम्पायर बाकी बाकी चीज़ें। तो ये जो है कुतुब मीनार ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हो गया अलाए दरवाज़ा, इसका महल अलाउद्दीन खिलजी का। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और अलाउद्दीन 48 ईयर्स की उम्र में मर गया क्योंकि उसका चाचा जो था जलालुद्दीन तो उसने उसको गिफ्ट दिया था। वो उस टाइम का बादशाह था जलालुद्दीन, उसने दिया था गिफ्ट इसको अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, एक नौकर एक गुलाम में गिफ्ट करा था, उसका नाम था मलिक गफूर। और अलाउद्दीन ने पहले उस गुलाम से अपने चाचा को ही मरवाया और उसके बाद फिर जब टाइम हो गया तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को मलिक गफूर ने जहर दे के मार दिया। जैनो इधर देखो, जैनब जी हेलो, ना 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 मम्मी यहाँ देखो, जैनब जी इधर देखो, ये बैठ गई जैनब जी रिक्शा में। हेलो बोलो, हेलो किधर जाना है जैनब जी आपको? बोलो आप, मुझे जाना है घर घर। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, ये देखिए ये आ गई हमारी बस और यही हमें अब ड्रॉप करेगी अमृतसर में। और ये रहा हमारा स्लीपर अंदर से। अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेकर जो 10th में शायद 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। हाँ 10 मार्क्स का। चलो दिखा, चलो और ये वो जगह है जहाँ से जनरल डायर ने फायर करवाया था लोगों पर। तो चलिए आगे आगे दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हो ये है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेकर यहीं पर हो गया था जो हमने किताबों में पढ़ा है हिस्ट्री बुक्स में। तो हुआ क्या था, यहाँ पर 13th of April 1919 को यहाँ पर बैसाखी का फेस्टिवल मनाने आ गए थे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे और यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी चल रहा था क्योंकि दो सोशल एक्टिविस्ट्स को ब्रिटिशर्स ने बंद किया था, मतलब अरेस्ट किया था। एक का नाम था सैफुद्दीन, दूसरे का नाम था सत्यापाल। तो उसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि उस टाइम लाहौर अमृतसर एक ही था, उस टाइम इंडिया पाकिस्तान नहीं था, ये एक ही था। तो हुआ क्या था, जनरल डायर यहाँ अंदर आ गया था और उसने यहाँ पर सारे एग्जिट्स बंद किए थे और लोगों पर फायर किया था। तो यहाँ पर उस टाइम तकरीबन 200 लोग मरे थे और 2000 लोग लगभग ज़ख्मी हो गए थे। तो ये है जलियांवाला बाग मैसेकर और कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर एक कुआँ है उसमें छलांग मार दी थी, उनको लगा था हम इतना बच जाएंगे लेकिन वो भी मर गए थे। तो ये है जलियांवाला बाग और फिर लास्ट में उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा
कुछ टाइम बाद। और फिर ब्रिटिशर्स ने 2019 तक कोई उनको कोई रिग्रेट नहीं था कि हमने यहाँ पर क्या किया। फिर 2019 में उन्होंने माफ़ी मांगी हिंदुस्तान से कि हमने उस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत किया था। गो जलियाँ वाला बाग इस टेंथ मज कलोस कड़ फटा याद करा करा यह वहाँ पाँच नंबरी सवाल। तो ये देखिए है वो कुआँ। द डेडली फायरिंग मेनी पीपल फेल इन टू दिस वेल अबाउट 120 बॉडीज वे रिकवर्ड फ्रॉम इट। 120 लाशें निकाली गई थी इस कुएँ से, लेकिन अब इसको अचक अंदर कर कवर। फिर भी देखते दिखेगा मत अंदर से कुछ। ये देखें कितना गहरा कुआँ है। ये आप देखिए ये है बुलेट्स के निशान। यम तमि वक्त ये गोल आम यह वन इत प मे बसा अख गोल शशांच। ये आप देख लीजिए ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर जो है यहाँ पर वो गोलियों के निशान अभी भी ऐसे ही है। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे यम तमि वक्त गोलियन हिंद निशान वन तथे पे तथे यह सोयल लाब तथे कन थी ये सोरी खाली इसको थोड़ा पेंट वेंट किया है। ये आप देख सकते हो अभी मैं आपको क्लोज भी दिखा दूँगा थोड़ा। आखा गोल में नज ये देखिए दीज़ आर ब्लड मार्क्स। ये देखिए यहाँ पर है ये गोलियों के निशान ये देख लीजिए। ये देखिए ये रही मेरी गाड़ी। अब चलते हैं श्रीनगर। पंजाब है और वो हो गया जे एंड के। अपार को जम्मू एंड कश्मीर या अपार को पंजाब। अब पहुंच गए हम काजीगुंड। अमृतसर से हम निकले थे लगभग 1 बजे, तो अभी बज गए लगभग 8 बज गए। हाँ 8 शाम के 8 अभी हम पहुँच गए काजीगुंड।